नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कैथल के नगर परिषद चुनाव प्रचार धीरे धीरे जोर पकड़ते जा रहे हैं। नगर परिषद चेयरपर्सन चुनाव में भाजपा पार्टी के नेता सुरेश गर्ग की पुत्र वधु सुरभि गर्ग को अपनी प्रत्याशी बनाया गया है। भाजपा प्रत्याशी सुरभि गर्ग ने चुनाव प्रचार में भाजपा के सांसद नायाब सिंह सैनी व हरियाणा के राज्य मंत्री कमलेश ढांडा, विधायक लीलाराम, कुरुक्षेत्र विधायक सुभाष सुधा, हैफेड चेयरमैन कैलाश भगत, जिला भाजपा अध्यक्ष अशोक गुज्जर और भाजपा नेता शीर्ष गर्ग। इसके साथ ही सभी भाजपा नेता एकजुट होकर के चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। भाजपा प्रत्याशी सुरभि गर्ग के चुनाव प्रचार के लिए आज कैथल के पुराने बस अड्डा के नज़दीक में एक मुख्य कार्यालय खोला गया। भाजपा कार्यालय का उद्घाटन भाजपा के ही सांसद नायाब सिंह सैनी, हरियाणा की राज्य मंत्री कमलेश ढांडा व कुरुक्षेत्र विधायक सुभाष सुधा ने किया। पल पल कैथल से निमित मल्होत्रा की खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने कैथल नगर परिषद के लिए एक शिक्षित, योग्य और ईमानदार प्रत्याशी को यहाँ कैथल नगर परिषद चेयरपर्सन के लिए मैदान में उतारा। प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जिनकी एक सोच है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास लेकर के जो काम कर रहे हैं कैथल को विकास की गति में आगे बढ़ाने के लिए। सुरभि जी यहाँ कैथल की लोगों की, कैथल के आवाम के अपेक्षाओं के ऊपर हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से ये खरी उतरेंगी और जो इनको यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया, क्योंकि कैथल की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को ये ध्यानपूर्वक उनको सॉल्व करवाने का काम ये यहाँ पर करेंगी, ताकि कैथल के लोगों को उन समस्याओं से निजात मिल सके। पहली बार, क्योंकि यहाँ पर कैथल में प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो डायरेक्ट सीधा चुनाव चेयरमैन का कराया है, इससे पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक भ्रष्टाचार के ऊपर भी बड़ी लगाम लगेगी। नहीं तो हम देखते थे कि लोग अपने मत से पार्षद को चुनते थे और पार्षद जब चेयरमैन अपना बनाते थे एक बड़ा खेल उसके अंदर होता था, भ्रष्टाचार होता था। उस भ्रष्टाचार के ऊपर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी लगाम लगाई है और बहुत सारे निष्कर्ष ये निकाला कि सुरजेवाड़ा कहता था कोई विकास कार्य नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से सुरजेवाड़ा से पूछना चाहता हूँ, सुरजेवाड़ा जी आप 15 साल विधायक रहे, मंत्री रहे, पर एक दिन भी वाया इस्मानाबाद, वाया अम्बाला आप चंडीगढ़ नहीं गए, या तो वाया कुरुक्षेत्र जाते थे या वाया पटियाला जाते थे, क्यों? ये सुरजेवाड़ा जी आपने पूछना। दूसरी बात, सुरजेवाड़ा जी ने 15 साल एमएलए मंत्री रह करके कैथल के लोगों को भ्रमित करने का काम किया। सुरजेवाड़ा जी कहते थे, जैसे आज ये दफ्तर खुला ना, सुरेश गर्ग नोट जी ने कहा कि हमारा दफ्तर खुलिया, जब कैथल में कोई शोरूम खुलता था उसका लोग प्रचार करते हैं, ठीक इसी प्रकार सुरजेवाड़ा जी प्रचार करते रहे 15 साल, खुल गया खुल गया खुल गया, कैथल में PGI खुल गया। मैं सुरजेवाड़ा से पूछता हूँ कहाँ PGI, परंतु उनको बताना भी चाहता हूँ
मैं भारतवर्ष के आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूँ, वहीं आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने परसों ही 4 तारीख को कैथल जिले को, हल्के को नहीं, कैथल जिले को 1000 करोड़ के लगभग का मेडिकल कॉलेज देने का काम किया है। सुरजेवाला जी, ये होते हैं विकास कार्य। सुरजेवाला जी, अम्बाड़ा से लेकर के वाया कैथल हिसार तक 30-35 हजार करोड़ की सड़क बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये बात मैं सुरजेवाला जी को बताना चाहता हूँ। इसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैथल से लेकर के केवड़क तक 20 करोड़ की लागत से 4 लेन सड़क बनाने का काम किया। कैथल शहर की ट्रेन की पटरी पर 22.5 करोड़ रुपए देकर के सड़क निर्माण करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। और कैथल में विकास कार्यों के लिए आज भी हमारे पास 25 करोड़ रुपए नगर पालिका में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भेजे हुए हैं, जो चुनाव के बाद हमारी बेटी सुरभि उनको विकास कार्यों पर लगाने का काम करेगी। अधिकारियों से सुरजेवाला जी अपने टाइम की उनको बातें याद आती है। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, आप काकोत गांव में जाइए, 150 बच्चे नौकरी लगे हैं, 150 हमारी मंत्री जी बैठी हैं, इनके हल्के का गांव है काकोत। आप डी गांव में जाइए, 170-175 बच्चे नौकरी लगे हैं। अगर एक बच्चा भी ये कह दे कि हमारा 100 का नोट लगा, तो सुरजेवाला जी से मैं पूछना चाहता हूँ, जब सुरजेवाला जी मंत्री थे वो एक भी नौकरी बिना पैसे नहीं लगती थी।